ऑल ऑफ यू, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ रिंग फ्रेम। आज इस लेक्चर के माध्यम से रिंग जिस मशीन पे हमारा रोविंग से यार्न फॉर्मेशन होता है उस में हम जो पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, क्रील है, ड्राफ्टिंग यूनिट है, हमारी रिंग है, ट्रेवलर है, स्पिंडल है, इस जो मेन मेन पार्ट्स हैं इस रिंग फ्रेम के, उनका क्या रोल प्ले होता है इस यार्न फॉर्मेशन में, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रिंग फ्रेम के डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ रिंग फ्रेम मशीन आप इस स्लाइड के माध्यम से जो है स्क्रीन पे जो है आप रिंग फ्रेम को जो देख रहे हैं, ये हमारा एनिमेटेड जो है पिक्चर है रिंग फ्रेम का। ये हमारी क्रील है, क्रील पे जो है क्रील बॉबिन होल्डर जो है बॉबिन रोबिंग बॉबिन को होल्ड करता है। रोबिंग अनवाइंड होकर के रोबिंग गाइड से पास होते हुए ड्राफ्टिंग यूनिट को, ये आप जो 3/3 ड्राफ्टिंग यूनिट देख रहे हैं। ड्राफ्टिंग यूनिट से मेटेरियल की जो है ड्राफ्टिंग होती है, एटेन्यूएशन ऑफ मेटेरियल। रोबिंग ड्राफ्टिंग के बाद मेटेरियल हमारा डिलीवर्ड मेटेरियल जो है ट्विस्ट इंसर्ट, डिलीवर्ड मेटेरियल में ट्विस्ट इंसर्ट की जाती है और ट्विस्ट जो है इस स्पिंडल के माध्यम से जो है ट्विस्ट इंसर्ट की जाती है, यानी स्पिंडल के एक रोटेशन में एक सिंगल ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती है। रोबिंग मेटेरियल ड्राफ्टेड ड्राफ्टिंग के बाद जब रोबिंग मेटेरियल हमारी फ्रंट रोलर से डिलीवरी होती है उसमें ट्विस्ट इंसर्ट होती है और यार्न पास होते हुए ये हमारी लैपेट है, लैपेट से पास होते हुए एबीसी बालून कंट्रोल रिंग है, बालून कंट्रोल से पास होते हुए ट्रेवलर, ट्रेवलर से पास होते हुए मेटेरियल हमारा जो है वाइंडिंग यूनिट पे बॉबिन पे जो है वाइंड अप होता जाता है। तो ये हमारी रिंग बॉबिन है जो जिसको हम कॉप बोलते हैं, रिंग बॉबिन। इस तरीके से हमारा पैसेज ऑफ मेटेरियल जो है रोबिंग्स टू यार्न बॉबिन पे हमारा जो है मेटेरियल जो है यार्न के रूप में जो है वाइंड अप होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिंग फ्रेम, ये आप जो है रिंग फ्रेम मशीन, इस पिक्चर के माध्यम से आप रिंग फ्रेम मशीन देख रहे हैं। रिंग फ्रेम पे हमारी रोबिंग बॉबिन है, रोबिंग बॉबिन से मेटेरियल अनवाइंड होकर के रोबिंग हमारी रोबिंग गाइड से पास होते हुए ड्राफ्टिंग यूनिट से पास होते हुए, और ये यार्न आप देख रहे हैं जो है ट्विस्टेड यार्न जो है इस स्पिंडल में वाइंडिंग होती जाती है इस ट्विस्टेड यार्न की। रिंग रेल जो है रिंग रेल अप डाउन मूवमेंट करके और कंप्लीट बॉबिन पे हमारी वाइंडिंग की प्रोसेस को जो है कंप्लीट करती है। तो ये आप रिंग फ्रेम देख रहे हैं, रिंग फ्रेम के माध्यम से हम यार्न को कैसे फॉर्मेशन करते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स जो है रिंग फ्रेम में लगे होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्ट होता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। रोबिंग बॉबिन है, रोबिंग बॉबिन से मेटेरियल अनवाइंड होकर के ड्राफ्टिंग यूनिट से पास होते हुए ये लैपेट, लैपेट से पास जो है डिलीवर फ्रंट रोलर से मेटेरियल जब डिलीवर होता है तो ट्विस्ट उसमें इंसर्ट होती है और ट्विस्ट किससे इंसर्ट होती है, हमारा स्पिंडल रोटेट करता है, स्पिंडल की एक रोटेशन में एक ट्विस्ट यानी सिंगल रोटेशन में सिंगल ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती है। ट्विस्टिंग के बाद मेटेरियल हमारा लैपेट गाइड से पास होते हुए स्पिंडल हमारा तेजी से जो है इस सर्कुलर मोशन करता है, इस वजह से जो हमारी यार्न है वो एक बालून फॉर्म करता है जिसको हम यार्न बालून, यहाँ पे आप देख रहे हैं यार्न बालून। टेंशन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ लगता है जिससे यार्न जो है एक बालून फॉर्म करता है जिसको हम यार्न बालून कहते हैं। इस यार्न बालून को हम कंट्रोल करते हैं एबीसी रिंग से या बालून कंट्रोल रिंग जिसको हम कहते हैं। मेटेरियल हमारा जो है यार्न डिलीवर ट्विस्टेड यार्न जो है यहाँ पे आप रिंग देख रहे हैं, रिंग में हमारा ट्रेवलर है, ट्रेवलर से पास होते हुए इस स्पिंडल बॉबिन पे पहुंचता और स्पिंडल बॉबिन स्पिंडल रोटेट करता और अपने आप में जो है यार्न को वाइंड अप करता जाता है। ये आप रिंग, ये हमारी रिंग रेल है, रिंग रेल पे एक एक रिंग हमारी फिक्स रहती है और जनरली यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फिक्स रिंग की बात कर रहे हैं। कुछ रिंग में हमारी जो है मूविंग रिंग का भी जो है हम इन्वेंशन हुआ था मूविंग रिंग, बट कंप्लीटली जो है अगर देखा जाए तो मोस्ट जो है सक्सेसफुल जो है प्रोसेस है रिंग हमारी फिक्स होती है और ट्रेवलर हमारा मोशन में
ट्रेवलर हमारा मोशन करता है रिंग पे। और ट्रेवलर को मोशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आप जो ट्रेवलर देख रहे हैं रेड कलर का, इस ट्रेवलर को मोशन कहाँ से मिलेगा, ये हमारी जो स्पिंडल है, स्पिंडल रोटेट करता है यार्न को अपने आप पे, जो वाइंड अप करने के लिए जब उसको पुल करता है, अपने तरफ खींचता है, तो उसके कांटेक्ट में हमारा ट्रेवलर है। ट्रेवलर जो है तेजी से जो है उसे उसी स्पीड से जो हमारी बॉबिन की स्पीड है उसी स्पीड से जो है इस रिंग पे मूव करता है। जनरली उसी स्पीड से हम इसको कंसीडर करते हैं, बट फ्रिक्शन के कारण ट्रेवलर की स्पीड जो है स्पिंडल की स्पीड से स्लाइटली कम होगी ड्यू टू फ्रिक्शन। और यही यही वाइंडिंग टेंशन जो है क्रिएट होता है और वाइंडिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है आप रिंग देख रहे हैं, ये हमारा ट्रेवलर है और ये बॉबिन है, कॉक बॉबिन जिसको हम कॉक बोलते हैं, जिसमें यार्न हम वाइंड अप करते जा रहे हैं, बॉबिन है। ये स्पिंडल है, स्पिंडल को यहाँ से जो है ड्राइव बेल्ट बेल्ट के माध्यम से जो है ड्राइव दिया जा रहा है। यानी स्पिंडल स्पीड इक्वल टू बॉबिन स्पीड, जो ये हमारी बॉबिन है वो स्पिंडल पे फिक्स है, तो जो स्पिंडल की स्पीड होगी वो बॉबिन की स्पीड होगी। अब इस पिक्चर को आप दिमाग में रखिए और हम इसी पिक्चर को जो है आगे एक एक पार्ट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रिंग यानी आप ये जो रिंग देख रहे थे जिसपे हमारा ये ट्रेवलर लगा हुआ है, यानी ये हमारी रिंग है और ये हमारा ट्रेवलर है। रिंग हमारी फिक्स होती है रिंग रेल पे और ट्रेवलर जो है मूव करता है इस सर्कुलर मोशन जो है स्पिंडल के मूवमेंट से हमारा ट्रेवलर जो है मूव करता रहता है। और यार्न यहाँ पे ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये यार्न है, यार्न जो है इस ट्रेवलर के अंदर से पास होकर के और यहाँ पे हमारा स्पिंडल होता है, स्पिंडल में वाइंड अप होता जाता है। द फंक्शन ऑफ रिंग आर, यहाँ पे हम रिंग के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि रिंग का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है रिंग का। द रिंग गाइड्स द सर्कुलर रन ऑफ द ट्रेवलर, जो है रिंग किसको गाइड करती है, सर्कुलर रन ऑफ द ट्रेवलर, रिंग गाइड द सर्कुलर रन ऑफ द ट्रेवलर, इस सर्कुलर मोशन को सपोर्ट करती है रिंग। द रिंग एक्ट एज हाई स्पीड बेयरिंग सरफेस फॉर ट्रेवलर, रिंग जो है किस तरीके का बिहेव करती है, रिंग एक्ट एज हाई स्पीड बेयरिंग, हाई स्पीड बेयरिंग की तरह जो है रिंग जो है बिहेव करती है ट्रेवलर के लिए, बेयरिंग सरफेस फॉर द ट्रेवलर। ट्रेवलर के जो ये हमारी रिंग की सरफेस होती है काफी स्मूथ होती है और ये एक बियरिंग की तरह हमारा मैटर ट्रेवलर जो उस पे आसानी से जो है फ्रिक्शनलेस जो है मूवमेंट होता है। वन मे आल्सो कंसीव द बिहेवियर ऑफ द रिंग एज ट्रैक फॉर द ट्रेवलर, ये जो ट्रैक यानी जो हो ट्रेवलर हमारा जो है इसी ट्रेवलर को पाथ देती है, एक तरीके से ट्रेवलर हमारा उसी पाथ पे जो है रिंग के पाथ पे जो है मूव करता है। और इस ट्रेवलर से हमारा यान पास है और यान जो है बॉबिन पे वाइंड अप होता जाता है, तो बॉबिन की स्पीड से ट्रेवलर जो है ट्रेवलर को मोशन मिलता है और ट्रेवलर जो है उस रिंग पे रोटेट करता रहता है ट्रेवलर। अब हम ट्रेवलर की बात करेंगे, इससे पहले हमने रिंग की बात किया था कि रिंग का क्या फंक्शन है, क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। अब यहाँ पे हम ट्रेवलर की बात करेंगे, यहाँ पे आप ट्रेवलर देख रहे हैं और ये हमारा यार्न है, डिलीवर यार्न है, डिलीवर यार्न ट्रेवलर से पास होते हुए और इस बॉबिन पे वाइंड अप हो रहा है, यानी ये हमारी रिंग है और ये हमारा ट्रेवलर है। तो ट्रेवलर यहाँ डिफरेंट शेप सी शेप के जो है आप ट्रेवलर देख रहे हैं, फ्लैट ट्रेवलर है। इफ इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इसका जो है ट्रेवलर का क्या फंक्शन है यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्विस्टिंग ऑफ द ड्राफ्टेड स्टैंड ऑफ द फाइबर एज दे आर डिलीवर्ड बाय द फ्रंट रोलर टू प्रोड्यूस अ यार्न। ट्विस्टिंग ऑफ द ड्राफ्टेड स्टैंड, जो हमारे फ्रंट रोलर ड्राफ्टिंग के बाद जो फ्रंट रोलर से मटेरियल जो है जो मूव होकर के आगे बढ़ता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। और ट्विस्टिंग में हेल्प कौन करता है, हमारा यहाँ पे ट्रेवलर हेल्प करता है। ट्विस्टिंग ऑफ द ड्राफ्टेड स्टैंड ऑफ द फाइबर एज दे आर डिलीवर्ड बाय द फ्रंट रोलर टू प्रोड्यूस ए यार्न, और इस तरीके से हमारा यार्न जो है प्रोड्यूस होता है। वाइंडिंग ऑफ यार्न ऑन टू द बॉबिन, वाइंडिंग ऑफ हम बॉबिन पे यार्न को जो है बॉबिन पे वाइंड अप करते जाते हैं। मेंटेन वाइंडिंग टेंशन ऑफ द यार्न बाय द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिंग एंड ट्रेवलर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी ट्रेवलर हमारा किस पे मूव कर रहा है, रिंग पे। तो यहाँ पे जो मेंटेन वाइंडिंग टेंशन यानी टेंशन किसके बीच में, ट्रेवलर और
बॉबिन के बीच में जो टेंशन लगता है उस टेंशन को हम वाइंडिंग टेंशन कह रहे हैं। तो मेंटेन वाइंडिंग टेंशन ऑफ यार्न बाय द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिंग एंड ट्रेवलर। ये जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण जो है रिंग और ट्रेवलर के बीच में रिंग और ट्रेवलर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसके कारण जो है हमारा वाइंडिंग टेंशन जो है क्रिएट होता है और हम आसानी से वाइंड अप कर लेते हैं मेटल को। इट एक्ट एज ए सेकेंड गाइड फॉर द यार्न ऑन द वे टू द टू बी वाउंड ऑन बॉबिन। करेक्ट, इट एक्ट एज ए सेकेंड गाइड द यार्न ऑन द वे टू बी वाउंड ऑन द बॉबिन। ए यार्न जो हमारा ट्रेवलर है, ट्रेवलर जो है यार्न को गाइड करता है वाइंडिंग वाइंडिंग में जो है गाइड करता है, रेगुलर जो है गाइड करता है जिससे हमारी वाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है। यहाँ पे आप जो है ट्रेवलर जो देख रहे हैं डिफरेंट शेप के जो ट्रेवलर है, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बिल्डिंग मोशन टू वाइंडिंग द कांस्टेंट लेंथ ऑफ यार्न डिलीवर्ड बाय द फ्रंट रोलर। कह रहे कि इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बिल्डिंग मोशन, कह रहे कि बिल्डिंग मोशन यानी जो वाइंडिंग मोशन जो परफॉर्म हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग मोशन टू वाइंड द कांस्टेंट लेंथ ऑफ यार्न डिलीवर्ड बाय द फ्रंट रोलर। जो हमारा फ्रंट रोलर से डिलीवरी हो रही है उसको हम कंटिन्यूअस जो है उसकी वाइंडिंग करते जाते हैं और ट्रेवलर उसमें हमारा हेल्प करता है। इन स्पीड फ्रेम बॉबिन आरपीएम चेंज विद द इंक्रीज ऑफ द बॉबिन डायमीटर बट द रिंग फ्रेम द बॉबिन आरपीएम रिमेन कांस्टेंट एट द ट्रेवलर आरपीएम इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द बॉबिन डायमीटर। यहाँ पे जो है कह रहा है कि कोई चेंजेस नहीं होता इन द स्पीड फ्रेम। स्पीड फ्रेम में जो है बॉबिन आरपीएम अगर हम चेंज करते हैं तो इंक्रीज ऑफ द बॉबिन डायमीटर जो हमारा चेंज होता है, बट द रिंग फ्रेम द बॉबिन इज आरपीएम रिमेन कांस्टेंट। बॉबिन का जो है आरपीएम जो है कांस्टेंट बना रहता है एट द ट्रेवलर आरपीएम इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द बॉबिन डायमीटर। अगर जो है हम ट्रेवलर आरपीएम जो है अगर चेंज करते हैं with increase with the bobbin diameter. It also perform many other function involving highly complicated problem of higher physics. कह रहा कि it also perform many function involving highly complicated problem of higher physics. क्रिल, यहाँ पे जो है क्रिल की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे रोबिंग बॉबिन है उसको हम क्रिल बॉबिन क्रिल होल्डर पे जो है होल्ड करते हैं। हम क्रिल की हमारे डिजाइन किस तरीके की क्या रोल होता है जो है रिंग फ्रेम में तो देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द क्रिल इज टू होल्ड द रोबिंग बॉबिन ओवर ए रोलर बीम विद इन ए कन्वीनियंट हाई हाइट टू इजली हैंडल द रोबिंग। हम इस रोबिंग क्रिल रोबिंग को रोबिंग क्रिल पे जो है हम होल्ड करते हैं बॉबिन होल्डर में, जो आसानी से उसको हम अनवाइंड करके ड्राफ्टिंग यूनिट में इंटर कर लेते हैं रोबिंग को। द क्रिल मस्ट परमिट द फ्री रनिंग ऑफ रोबिंग बॉबिन विथ स्लाइट टेंशन ऑन इट। यहाँ पे इस मूवमेंट के लिए कोई अलग से जो है मोशन ऐड नहीं किया जाता है। जब हम रोबिंग को अनवाइंड करते हैं पुल करते हैं खींचते हैं तो क्रिल इतनी फ्री होती है, जो हमारा स्पूल है वो इतना फ्री होता है कि अनवाइंड होता है मूव करता जाता है और रोबिंग हमारी अनवाइंड होती जाती है। स्पिंडल, स्पिंडल की हम बात करेंगे। आप यहाँ पे जो स्पिंडल है जिसपे हमारी बॉबिन लगी हुई है जिसपे वाइंडिंग का प्रोसेस जो है परफॉर्म हो रहा है, जिसमें यार्न हमारा जो है वाइंड अप होता जा रहा है, ये हमारा स्पिंडल है और स्पिंडल के ऊपर हम बॉबिन को पुट कर देते हैं। ये हमारा जो लॉकर है स्प्रिंग लॉकर होता है जो बॉबिन को लॉक कर लेता है। तो इस तरीके से स्पिंडल ब्लेड, ये ऊपर के पोर्शन को हम स्पिंडल ब्लेड कहेंगे। स्पिंडल वार्व जो है यहाँ पे जो ड्राइव जो बेल्ट के माध्यम से जो ड्राइव दी जाती है स्पिंडल वार्व। स्पिंडल ब्रेक हमें जो है जब ब्रेकेज होता है पीसिंग करनी होती है तो हम जो है स्पिंडल को ब्रेक के माध्यम से जो है स्टॉप कर लेते हैं रोक लेते हैं और फिर हम पीसिंग या गेटिंग के फंक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। बोल्स्टर केस यानी ये जो है स्पिंडल का बॉटम पार्ट है जो लुब्रिकेशन जिसमें जो है लुब्रिकेंट भरा होता है और यहाँ पे जो हीट जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रिक्शन लेस एक मोशन जो है इस स्पिंडल को जो है कंटिन्यूअस मिलता रहता है। तो ये हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द
Spindle holds the bobbin somewhat loosely but tight enough to prevent any slippage. कह रहा है कि ये स्पिंडल जो है बॉबिन को होल्ड करता है, होल्ड करके रखता है और टाइटली उसको जो है होल्ड करके रखता है, वो लूज नहीं होती है। जो आपने स्पिंडल आई देखा है यहाँ पे, जो है आप स्पिंडल आई जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे अंदर स्प्रिंग लगी होती है। जब हम इसको बॉबिन को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, अंदर की तरफ जो है पुश करते हैं, तो ये अंदर की तरफ जो है पुश हो जाता है और जैसे हम बॉबिन को छोड़ते हैं, ये होल्डर जो स्पिंडल आई है वो बाहर की तरफ स्प्रिंग इसको पुश करती है और बॉबिन को ग्रिप कर लेता है। कंप्लीटली जो है बॉबिन हमारी ग्रिप हो जाती है स्पिंडल में, तो यहाँ पे कोई स्लिपेज का चांसेस नहीं होता है। द स्पिंडल होल्ड द बॉबिन समवॉट लूजली बट टाइट इनफ टू प्रिवेंट एनी स्लिपेज सो दैट द बॉबिन कैन बी लिफ्टेड आउट ऑफ द स्पिंडल विथ लिटिल एक्सर्शन। यहाँ पे जब हमारा स्पिंडल मूव करता है तेजी से, जो हाई स्पीड से मूव करता है, बॉबिन में कोई स्लिपेज नहीं होता और बॉबिन हमारी होल्ड होती है जिसके कारण वो ऊपर की तरफ नहीं उठती, ऊपर बाहर की तरफ नहीं निकलती है जो है, और आसानी से वाइंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है। विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड ट्रेवलर द स्पिंडल इंसर्ट ट्विस्ट। कह रहे कि ये जो ट्विस्ट किसके हेल्प से इंसर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ द रिंग एंड ट्रेवलर। ट्रेवलर जो है उसको होल्ड करता है और स्पिंडल उसको मोशन देता है, तो इस तरीके से हमारे स्पिंडल के एक रोटेशन में एक ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती है। विद द हेल्प ऑफ द रिंग एंड ट्रेवलर द स्पिंडल इंसर्ट ट्विस्ट इन द यार्न बीइंग डिलीवर्ड बाय द फ्रंट रोलर। जो फ्रंट रोलर से हमारा जो ड्राफ्टिंग होकर के फाइबर जो है कॉटन या फाइबर जो है डिलीवर हो रहा है, उसमें जो है स्पिंडल जब ज्वाइन होता है, यार्न जब ज्वाइन होता है, तो उसमें स्पिंडल हमारा मूव करता है और एक टर्न में एक ट्विस्ट जो है इंसर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है विद द हेल्प ऑफ द रिंग एंड ट्रेवलर द स्पिंडल इंसर्ट ट्विस्ट इन द यार्न बीइंग डिलीवर्ड बाय द फ्रंट रोलर। जो फ्रंट रोलर से जो है डिलीवरी हो रही है उसमें जो है ट्विस्ट जो है कंटिन्यूअस इंसर्ट होती रहती है। It also carry out another important function of the winding, the twisting thread on the bobbin with the help of the ring and traveler. करेक्ट, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण फंक्शन जो है परफॉर्म होता है स्पिंडल के द्वारा। It also carry out another important function of the winding, the twisting thread on the bobbin. ट्विस्टेड थ्रेड ऑन द बॉबिन, यहाँ पे वाइंडिंग का प्रोसेस एक जो है परफॉर्म होता है इस बॉबिन पे, और जो ट्विस्टेड थ्रेड है वो इस बॉबिन वाइंडिंग पे जो है रिंग और ट्रेवलर की हेल्प से जो है वाइंड अप होता जाता है ऑन द बॉबिन विद द हेल्प ऑफ द रिंग एंड ट्रेवलर। ये आप जो स्पिंडल देख रहे हैं, इसी स्पिंडल पे हमारी बॉबिन जो है इसके ऊपर जो है इस स्पिंडल में जो में जो है फिक्स की जाएगी और उस पर हमारा वाइंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म होगा। रोविंग गाइड, जो हमारी रोविंग जो है क्रिल से अनवाइंड होकर के ड्राफ्टिंग जोन में जब इंटर करती है, तो ड्राफ्टिंग जोन में इंटर करने से पहले रोविंग गाइड लगी होती है जो रोविंग को जो है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फिट करने में हेल्प करती है ड्राफ्टिंग यूनिट में। तो रोविंग गाइड, द गाइड आर माउंटेड एट द राइट एंगल टू द फ्लैट बार कॉल ट्रेवर्स बार। पीछे जो है रोबिंग बॉबिन होती है, उसके नीचे की साइड जो है हमारी रोबिंग गाइड लगी रहती है, जो ट्रेवर्स बार स्लाइटली जो है उसमें ट्रेवर्स जो है परफॉर्म होता है रोबिंग गाइड में। रोबिंग गाइड आर माउंटेड एट द राइट एंगल टू द फ्लैट बार कॉल ट्रेवर्स बार। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गाइड इज टू फीड द रोबिंग करेक्टली एट द बाइट ऑफ द बैक रोलर एंड ट्रेवर्स मोशन मूव द स्टैंड ऑलमोस्ट ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द बाइट एंड दिस प्रिवेंट द ड्राफ्टिंग रोल फ्रॉम बीइंग ग्रुप्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस। ये जो रोविंग गाइड होती है ये ट्रेवर्स मोशन करती है, और ट्रेवर्स मोशन क्यों करती है, अगर रोविंग हमारी एक ही जगह से पर्टिकुलर एक ही जगह से पास होगी तो रोविंग टॉप रोलर और बॉटम रोलर दोनों एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक लंबे समय के बाद जो है वहां पे घिस जाएंगे, यानी ग्रुप जो है फॉर्म हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम रोविंग गाइड हमारी पीछे लगी होती है वो स्लाइटली ट्रेवर्स करती है, जिससे कि रोविंग हमारी कंटिन्यूस पार्टिकुलर एक ही सिंगल प्लेस से जो है न पास हो और वो पार्टिकुलर ग्रुप जो है फॉर्म न हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है ट्रेवर्स मोशन परफॉर्म होता है।
लैपेट मोशन आर थ्रेड बोर्ड ट्रेवर्स। लैपेट मोशन, लैपेट किसको कहेंगे, जो हमारी डिलीवरी से फ्रंट रोलर जो डिलीवरी होती है, फ्रंट रोलर डिलीवरी के बाद जैसे ही मटेरियल जो है स्पिंडल के लिए आगे बढ़ता है वाइंडिंग के लिए, वहीं पे हमारा जो है लैपेट गाइड लगी होती है, जो लैपेट गाइड ट्रेवर्स मोशन अप डाउन जो है ट्रेवर्स मोशन करती है बालून को, बालून की हाइट को कंट्रोल करने के लिए। जो बालून बन रहा है, जो यार्न का बालून बन रहा है, उसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए और ब्रेकेज को कंट्रोल करने के लिए और प्रॉपर गाइड करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी लैपेट मोशन का जो है, लैपेट गाइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द थ्रेड बोर्ड ट्रेवर्स इज टू मेंटेन द बालून साइज, बालून साइज को जो है मेंटेन कर रखता है विद इन द कंट्रोलिंग रेंज, एक रेंज तक जो है कंट्रोल करके रखता है इस बालून हाइट को। टू कीप द बालून लेंथ विद इन द कंट्रोलिंग लिमिट द थ्रेड बोर्ड इज नेसेसरली बी मेड टू ट्रेवर्स रिलेटिव टू द रिंग रेल। जो हमारा जो लैपेट गाइड है वो रिंग रेल हमारी अप डाउन मूवमेंट करती है वाइंडिंग मोशन के लिए, तो उस ट्रेवर्स इस वाइंडिंग रेल के साथ जो है हमारा जो ट्रेवर्स गाइड है वो भी स्लाइटली जो है उसके साथ जो है मोशन में रहती है, जिससे कि बालून की हाइट को कंट्रोल किया जा सके। फॉर 8 inch लिफ्ट बाबिन द ट्रेवर्स ऑफ द रिंग रेल इज मोर आर लेस कन्फाइंड विद द रेंज फ्रॉम 1 inch टू 1.5 inch एंड हायर ट्रेवर्स फॉर हायर लिफ्ट ऑफ द मशीन। द स्लो ट्रेवर्स ऑफ द लैपेट रेल ऑल्सो फैसिलिटेट्स द इजी पैसेज ऑफ द यार्न फ्रॉम द फ्रंट रोलर टू द बॉबिन। कह रहे कि स्लो ट्रेवर्स ऑफ द लैपेट रेल ऑल्सो फैसिलिटेट द इजी पैसेज ऑफ यार्न फ्रॉम द फ्रंट रोलर टू द बॉबिन। यहाँ पे जो है आप लैपेट, जिसकी हम लैपेट की बात कर रहे हैं, ये लैपेट आप देख रहे हैं, यार्न ये जो है हमारा साइज है, जहां से यार्न जो है हमारा ये फाइन एक जो है होल है जहां से जो है हमारा यार्न पास होता है। और लैपेट गाइड आप अगर फिगर में देखें तो यहाँ पे जो है हमारा जो है लैपेट की हम बात कर रहे हैं, लैपेट को आप जो है यहाँ पे आप जो है लैपेट को देख सकते हैं इस फिगर में, ये हमारा लैपेट है, लैपेट गाइड, ये इस गाइड की हम बात कर रहे हैं। ये लैपेट गाइड जो है यहाँ पे फिक्स होती है और रिंग रेल के साथ जो है ये अप डाउन मूवमेंट करती रहती है। तो इस तरीके से इस लेक्चर के माध्यम से हम जो है हमने देखा कि जो रिंग फ्रेम के मेन मेन पार्ट्स हैं, जिसका जो है यार्न फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कस किया। ये फिगर में आप लैपेट देख रहे हैं, लैपेट गाइड है जिसको हम फिक्स कर देते हैं और इसको हम एडजस्टेबल होता है, इसके बिल्कुल इसका जो सेंटर पार्ट है, ये जो आप होल देख रहे हैं ये बिल्कुल जो है स्पिंडल के सेंटर पोर्शन में होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपको काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।